हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शरद। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आया हूं यहां पे योगी प्रो का स्पीकर। बेसिकली दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि भैया मार्केट में एक नया ब्रांड आया है यहां पे योगी प्रो, आप हमें वो दिखाइए कैसा स्पीकर चलने में, अपनी टेस्टिंग दिखाइए, नहीं अपनी तरीके से एक बार टेस्ट करके जरूर दिखाइए। तो लीजिए दोस्तों फाइनली यहां पे मैं एक 15 इंची का स्पीकर लेकर आया हूं। 600 वाट का स्पीकर है, बेसिकली लाइव डीजे दोनों में होने वाला है। वो आप यहां पे क्वालिटी सुन के जज करिएगा। बाकी दोस्तों यहां पे अनबॉक्सिंग और स्पीकर की डिटेल्स, कैसे पार्ट्स यूज करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, कहाँ से अवेलेबल होगा वो भी डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे स्पीकर के बॉक्स की पैकिंग की डिटेल्स। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये दो बॉक्स के पैकिंग में आता है। अभी मैं आपको एक सिंगल स्पीकर की बॉक्स की पैकिंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको योगी प्रो का जो है वो ब्रांड लोगो, प्लस यहाँ पे योगी प्रो मेंशन रहेगा, जापान लाइसेंस्ड प्रोडक्ट, www.yogiprojapan.com यहाँ पे मेंशन करा है। बारकोड मेंशन करा गया है ओरिजिनल की पहचान के लिए, और यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यह अगर मैं थोड़ा सा इसको इस साइड करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर भी मेंशन करा गया है, YJ15X600, यानी 600 इसका दर्शाता है कि ये 600 वाट के स्पीकर्स के अंदर आता है। यहीं पर बाकी और भी इसके हाइलाइट्स पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे इसकी जो कि बॉक्स पैकिंग है काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव और लुक वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि अंदर जो हमें बॉक्स पैकिंग देखने को मिलती है कितनी वो सेफ्टी हमें देती है स्पीकर के लिए। तो चलिए यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो कि बॉक्स पैकिंग ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक वेलकम कार्ड मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं योगी प्रो का एक वेलकम कार्ड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ये थर्माकोल की पैकिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे ये चारों तरफ से थर्माकोल पैकिंग के साथ में पैक है। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि स्पीकर आप देख पा रहे हैं, स्पीकर के यहाँ पे जो कि इसके पॉली बैग होता है उस पर भी योगी प्रो का जो है वो पूरी की पूरी डिटेल्स यानी लोगो जो है वो मेंशन रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए स्पीकर को मैं दिखाता हूँ, उसके बाद की डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपको देखने को मिला हमारे स्पीकर का जैसे डिजाइन, दोस्तों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिजाइन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और मिलता है इस स्पीकर में, वो ये है कि यहाँ पे ये योगी प्रो का आपको एक ब्रांड लोगो देखने को मिल जाता है। आप अपनी कैबिनेट में इसको यूज कर सकते हैं, ब्रांड न्यू रहता है, पीछे ये एल्युमिनियम का होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बल्कि हमारा यहाँ पे स्पीकर्स जो है वो पूरा का पूरा एल्युमिनियम चेसी फ्रेम से बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो कि मैग्नेट की थिकनेस है, आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। बैक साइड पूरा का पूरा ब्लैक है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं जो लाइनिंग्स है ये सिल्वर से दी गई है। बेसिकली यहाँ पे CNC का जितना भी काम होता है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन से जो है वो इस स्पीकर को बनाया जाता है। ओवरऑल ये हो जाता है चेसी डिजाइन। दोस्तों अभी आपको देखने को मिलता है हमारे स्पीकर का कोन, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शाइन जो है वो कोन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो कि कोन्स होता है ये डस्ट कैप आपको दिया गया है, ये पूरा का पूरा मॉइस्चर प्रूफ रहता है। सामने भी आपको एक जो है वो डिजाइन यानी कट वाला डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अगेन मैंने बताया कि यहाँ पे CNC मशीन और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से इसको चैसी को भी डिजाइन करा जाता है। बाकी यहाँ पे आप इसकी जो कि क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कोन की, और यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट है। बेसिकली अगर मैं इसको अप एंड डाउन कर दूँ काफ़ी ज़्यादा जल्दी अप एंड डाउन आ रही है, यानी सॉफ्टनेस काफ़ी है। तो दोस्तों भी आपको देखने को मिलता है स्पाइडर की क्वालिटी, और यहाँ पे स्पाइडर को दोस्तों रेड कलर में रखा गया है। बेसिकली इसके लुक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव और अमेजिंग बना रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर के साथ में हम देख सकते हैं जो कि एक रिंग है, ये यहाँ पे एक पतली सी आपको ये रिंग दिख रही होगी, बीच में आपको स्पाइडर दिख रहा होगा। ये बेसिकली रिंग इसलिए होता है कि अगर ग्लू की पावर भी कम होती है तो ये रिंग इसको जगड़ के यानी पकड़ के रखती है। बेसिकली इस रिंग को भी यहाँ पे ये एलिंकी बोल्ट्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एलिंकी बोल्ट से जो है वो टाइट करा जाता है, और ये पूरे के पूरे यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 बोल्ट्स का इसमें यूज़ करा जाता है। बाकी अब इसकी स्पाइडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा मिले कि हाँ ये कैसा वर्क करता है। ये सिलिकॉन स्पाइडर हम इसे कहते हैं, ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर हम इसे कहते हैं। नॉर्मल स्पाइडर से ये 2 गुना ज़्यादा मजबूत और यहाँ पे इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। बाकी आप यहाँ पे इसकी स्पाइडर की क्वालिटी देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको वेंटिलेशन देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे ये आपको ये होल से दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैपिंग है। ये बेसिकली गैपिंग इसलिए होता है कि यहाँ पे ये वेंटिलेशन का काम करते हैं, ड्यूल हैप्पी वेंटिंग सिस्टम होता है। चलिए मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ, और हल्का सा आपको कुछ कॉपर सा दिख रहा होगा यहाँ पे, येलो येलो टाइप का। बेसिकली वो यहाँ पे वो होल्स के अंदर आपको वॉइस कॉल नजर आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं कोन को मूवमेंट देता हूँ, कोन को ऊपर नीचे भी करता हूँ ना, तब देखिएगा
वो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये कोन जब ऊपर नीचे होती है तो स्पाइडर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडर, ये यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं जो कि होल्स है, ये ड्यूल हाइपरवेंटिलेटिंग सिस्टम होता है। तो सीधे के सीधा ये एयर पास के लिए काम में करते हैं। बेसिकली इसका काम यही रहता है कि यहाँ पे वॉइस कॉल को ठंडा रखना, कूलिंग बनाए रखना, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और है इस स्पीकर में कूलिंग के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो कि दोस्तों यहाँ पे सेकंड चीज जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये थी कि आप बैक साइड पे डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 8 ओम्स 4 इंच इन आउट वॉइस कॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर मेंशन है YJ15X 600 वाट है। योगो प्रो अगेन यहाँ पे मेंशन रहेगा ब्रांडिंग, लेकिन दोस्तों जस्ट उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एयर पास दिए गए हैं। अब एयर पास में दोस्तों ये भी एयर पास है, एक ये भी एयर पास है, लेकिन मैं थोड़ा सा जूम करता तो आपको एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाली होगी, वो ये है कि यहाँ पे आपको हीट सिंक देखने को मिलता है। ये हीट सिंक वर्जन 3 है। अब बेसिकली दोस्तों ये हीट सिंक वर्जन 3 क्या है कि पहले वाले जितने भी स्पीकर्स आपने देखे हैं मार्केट में, उनमें भी अगर ये हीट सिंक आ रही है तो वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड वाली हीट सिंक इसके अंदर यूज़ करी गई है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप एल्युमिनियम की हीट सिंक देख पा रहे हैं। साइड वेंटिलेशन के अलावा यहाँ पे ये हीट सिंक भी जो है वो कूलिंग में मदद करती है स्पीकर की। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका स्पीकर सेफ, प्लस यहाँ पे लाइफ उसकी लॉन्ग होने वाली है इस हीट सिंक के और यहाँ पे ड्यूल हाइपरवेंटिलेटिंग सिस्टम के साथ में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्पीकर का अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस यानी बाकी डिटेल्स भी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ये कितने वाट का है। तो दोस्तों ये 600 वाटेज के अंदर 600 वाट का स्पीकर देखने को मिलता है। वॉइस कॉल यहाँ पे 4 इंची यानी इन आउट यानी अंदर बाहर वाली वाइंडिंग वाला जो वॉइस कॉल होता है, डबल वाइंडिंग वाला, वो इसके अंदर यूज करा गया है। यही दोस्तों मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, तो 45 से लेकर 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। हीट सिंक वर्जन 3 आपको देखने को मिलता है। मैग्नेट साइज की बात करूँ तो 220x25 mm का हमें यहाँ पे मैग्नेट साइज देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी वक्त आता है यहाँ पे इसका टेस्टिंग का, तो चलिए यहाँ पे जो कि टेस्टिंग है वो मैं आपको देखा। यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग लिए, तो टेस्टिंग लिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना टॉप आई पे रेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे ये टॉप्स को 4 ओम्स पे मैं रन कर रहा हूँ। एम्पलीफायर हमारा वहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मिक्सर विक्सर सब तैयार है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको दूर से इसकी टेस्टिंग चलाऊंगा और कैसे परफॉर्मेंस रहने वाला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए यहाँ से भी हम गाना प्ले कर लेते हैं। लेकिन टेस्टिंग मुझे उम्मीद है पसंद आएगी दोस्तों। कैसा करा इसने परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सॉन्ग्स यहाँ पे इंडियन टाइप के यानी इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो है वो सॉन्ग्स भी बजाए, ताकि आपको जो कि क्वालिटी है यानी वोकल्स में क्वालिटी कैसे हमें देखने को मिलती है वो भी है, आपको एक अंदाजा जरूर मिल गया होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है यानी ये जो स्पीकर है बेसिकली ये आप लाइव में डीजे पे या फिर कहीं और भी
किसी भी टाइप के प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बैलेंस्ड साउंड हमें देखने को मिलता है। और ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ इसके जो कि हीटिंग पीछे के बाद जब चलाने के बाद अगर आप इसको 4-5 घंटा 6 घंटा भी चला रहे हैं आपको 1% भी मैग्नेट पे हीट देखने को नहीं मिलती है। तो इससे ये श्योरिटी होती है कि यहाँ पे जो कि मैग्नेट है, यहाँ पे जो कि क्वालिटी है, और यहाँ पे जो कि हीट सिंक वर्जन 3 साथ में यहाँ पे जो साइड वेंटिलेशन हमें देखने को मिलता है वो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो कि क्वालिटी मैं आपको सुना चुका हूँ, आप इसको लाइव डीजे दोनों पे भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल रहती है बात दोस्तों कहाँ से परचेज करें, बाकी जानकारी दोस्तों यहाँ पे आपको ये नंबर शो हो रहा होगा, योगी प्रो का कस्टमर केयर नंबर। आप अपने नजदीकी डीलर का एड्रेस या फिर प्राइसिंग डिटेल्स यहां से ले सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर आप यहां से करिए, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहां पे आपको कैसे लगा ये योगी प्रो का स्पीकर जरूर नीचे कमेंट्स बताना, और वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।